उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के कलेक्ट्रेट में CABNRC के विरोध में प्रदर्शन सपा नेताओं के अगुवाई में मस्जिद में नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से कई बलिया थाने की पुलिस बल और जवान तैनात थे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम देंगे ज्ञापन दिया और जमकर मोदी और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे खूब लगे। बिल को वापस लेने की कर रहे मांग, लोगों की थी बिल वापस की मांग। जहां हजारों की संख्या में लोग कर रहे थे प्रदर्शन और कहा कि अगर बिल वापस नहीं हुई तो इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। बलिया से सागर गुप्ता की रिपोर्ट। डरने की जरूरत नहीं है, ये बेईमान क्या डराएगा अल्पसंख्यक समाज के लोगों, ये बार बार क्यों इस बात को सदन में कहता है और सलाह कहता है, डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, हिंदुस्तान का मुसलमान डरा रहता तो हिंदुस्तान आजाद नहीं। आप लोग का ये पत्रक दिए हैं, आप लोग मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं और तमाम लोग हैं, क्या मामला सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जन विरोधी है, संविधान विरोधी है और संविधान विरोधी कार्य करने के लिए महारत हासिल करे हुए हैं। आज जो नागरिकता संशोधन बिल पास कराने का काम किया है दोनों सदनों का, उससे पूरे हिंदुस्तान में बहुमत है, बहुमत के बल पर किया है, संख्या बल उसके पास है, जो चाहे करा ले, लेकिन देश के लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। उसी के क्रम में बलिया के हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिलकर के उस बिल का विरोध करने के लिए अपना विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है, मांग पत्र देने का काम किया है। अपने मांग पत्र में दिया है कि आर्टिकल 14 का 100% उल्लंघन हुआ है। उसमें संविधान जो था उसके तहत, अभी आप मीडिया के लोग हैं, आप ही लोगों ने परचों निकालने का काम किया था कि 2018 में लगभग 20,000 लोगों को नागरिकता देने का काम हिंदुस्तान में किया गया है और जिस आधार पर 20,000 लोगों को दिया गया है, बाकी लोगों को भी नागरिकता देना हो तो दें, किसी को इतराज नहीं। ये तो महंगाई से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए, जो महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बलात्कार हो रहा है, उस पर चर्चा न हो, इससे हटाने के लिए ये CAB भी लाने का काम किया था। तो श्रीलंका से आए लोगों को तमिलनाडु में शरण दिया गया था, लेकिन आप ही जो अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो NRC को लेकर कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है अल्पसंख्यक समुदाय दोनों का अल्पसंख्यक समुदाय नगर पालिका परिषद बलिया? जी लक्ष्मण जी, अभी मुस्लिम समुदाय और तमाम समुदाय के लोग यहाँ पे DM कार्यालय पर उपस्थित हुए और पत्रक दिए, क्या मामला था पूरा? पूरा मामला यह था कि जो हम लोग अगल के NRC लागू की जा रही है उसके विरोध में तमाम यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान एक साथ जुट करके और एकता के प्रति प्रदर्शित करते हुए आकर के हम लोग जिला अधिकारी को और पूरा राष्ट्रपति को और सब जगह जिलाधिकारी के माध्यम से हमने पत्र देने का काम किया है। जी, ये जो NRC जो बिल लागू हुई है, क्या ये जरूरत थी क्या सरकार? बिल्कुल जरूरत थी, नहीं थी, ये तो अनावश्यक सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, प्याज का दाम बढ़ रहा है, तमाम इस तरीका के चीज़ों से हटाने के लिए सिर्फ काम किया जा रहा है। NRC इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। वही कह सकते हैं बेरोजगारी और महंगाई से दिमाग भटकाने के लिए सिर्फ जो इन्होंने अपने प्रोटोकॉल में अपने मैनिफेस्टो में। मैं MIM का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी जो हमने सभी पार्टी के लोग आए थे प्रोटेस्ट वक्त में NRC के विरोध में कैब में, जैसा कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है पर्टिकुलर एक पार्टी को देखते हुए प्रोटेस्ट हुआ है, समाजवादी। आज मुसलमान कौम इतनी मतलब मुत्तहिद हो गई है दूसरों पे कि खुद आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। वो नारद राय हो गए, संग्राम सिंह हो गए, दूसरों पे भरोसा करके आए दिन सेकुलर जो पार्टी की है, SP, BSP, कांग्रेस, सभी ने मुसलमानों का धोखा किया है, लेकिन अभी भी मुसलमान भाइयों की आँख नहीं खुल रहा है कि दूसरों पे बार बार भरोसा करके वो अपने आने वाली नस्लों को धोखा दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर मुद्दे पे हमारे परिषद असदुल ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं, चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे लव जिहाद का मसला हो, चाहे घर वापसी का मसला हो, जब हर मुद्दे पे ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं तो आप लोग ये जो सेकुलर का ढोंग रच रहे हैं वो लोग के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप आगे खुद भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं लोगों को बांटना चाहती है सरकार। ये देखिए, BJP लोगों को बांटना ही चाहती है और इस देश को वापस से बंटवारा करना चाहती है। तो क्या ये जो जो ये NRC जो लागू हुआ है, क्या ये ज़रूरत थी क्या लागू करने की?